आज से देश के चुनिंदा 18 जिलों में एलपीजी पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम लागू हो रही है। इस स्कीम के तहत एलपीजी ग्राहकों को मिलने वाली सब्सिडी अब सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। यानी इस योजना के तहत अब एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के साथ ही संबंधित ग्राहक के बैंक खाते में बतौर सब्सिडी 435 रुपए होंगे। पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली अपने गृह राज्य कर्नाटक के तुमकुर में, जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री पानाबाका लक्ष्मी अपने गृह राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में इसकी शुरुआत करेंगी। इस योजना के लागू होने से सरकार के खाते में 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की बचत की उम्मीद है। तो आज से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम लागू की जाएगी। देश के 18 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके तहत एलपीजी ग्राहकों को मिलने वाली सब्सिडी अब सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप गैस सिलेंडर बुक कराते हैं तो सीधे अकाउंट में 435 रुपए सब्सिडी के डाले जाएंगे। और इससे सरकार को सीधे जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये कि 8 से 10 हजार करोड़ रुपए सरकार को बचत होगी। 435 रुपए सब्सिडी के संबंधित ग्राहक के बैंक खाते में बतौर सब्सिडी पहुंचाए जाएंगे। पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली अपने गृह राज्य कर्नाटक के तुमकुर में, जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री पानाबाका लक्ष्मी अपने गृह राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से इसकी शुरुआत करेंगे। अभी हर जगह नहीं, देश के 18 जिलों में इसकी शुरुआत हो रही है। इस योजना के लागू होने से सरकार को बचत की उम्मीद है। ये बचत 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की बताई जा रही है।